हाँ, देखे <laughs> ये लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देख रहे थे और उसमें हमने देखा था कि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट करता है तो उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का प्रोपगेशन होता है उनका ऑसिलेशन होता है ना हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है और खास तौर पर कैपेसिटर नाम के चैप्टर में पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर्ड रहता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी याद है कैपेसिटर के जो दो प्लेट्स हुआ करते थे कैपेसिटर के जो दो उसके उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता था और इसी में स्टोर्ड रहता था इलेक्ट्रिकल एनर्जी और जब हम लोगों ने इंडक्टर पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि उसके अंदर क्या माने इंडक्टर के अंदर क्या रहता है मैग्नेटिक फील्ड होता है तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर रहता है मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर रहता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर रहता है मैग्नेटिक एनर्जी ठीक है अब सवाल यह है कि आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी आता क्यों है क्योंकि बाबू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अंदर स्टोर रहेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके अंदर स्टोर रहेगा मैग्नेटिक एनर्जी और उन्हीं दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमको मिल जाएगा टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि लाइट टाइप की जो चीज आपको दिखती है उसका एनर्जी स्टोर होता कहां है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में और उसके मैग्नेटिक फील्ड में ठीक है तो मान लीजिए हमको पता करना है कि एक मीटर लंबा एक मीटर चौड़ा और एक मीटर ऊंचा अगर एक कंटेनर है तो उस कंटेनर में टोटल कितना एनर्जी स्टोर्ड है इसका मतलब हमको पता करना है टोटल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम अरे हमको वन मीटर क्यूब रीजन में वन मीटर क्यूब इलाके में, में एनर्जी स्टोर्ड पता करना है यानी हमको पता करना है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम क्या पता करना है बोलो टोटल एनर्जी इसको ईटी से दिखा दें टोटल एनर्जी स्टोर्ड यूनिट क्या वॉल्यूम हमको पता करना है तो उसके लिए हमको पता करना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम प्लस मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं उसका फॉर्मूला होता है हाफ एपसाइलन नॉट ई स्क्वायर प्लस मैग्नेटिक स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम जिसको हम लोग मैग्नेटिकेशन ले सकते हैं है तो म्यूनोट है, तो कहा जाएगा नीचे और ई e स्क्वा तो इसकी जगह पर बी स्क् सही है अब देखिए हम लोग एक बात जानते हैं कि वन अपॉन अंडर रूट एपसाइल नॉट इन टू म्यूनोट जो होता है वो क्या होता है सी होता है वो स्पीड ऑफ लाइट होता है दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो वन अपॉन एबसाइल नॉट इंटू म्यू नॉट किसके बराबर होगा सी स्क्वायर के और अगर हम इसको पलट लें क्या कर लें अगर हम पलट लें तो बाबू कहने का मतलब है कि एब्साइल नॉट इंटू म्यू नॉट कितना आ जाएगा तो वन अपॉन सी स्क्वायर ऐसा करके आ जाएगा वन अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा अब यहाँ से एक काम करो चाहे ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट करो ना डायरेक्ट ही करो तुम यहां से म्यूनोट की वैल्यू निकालो तो म्यूनोट की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे म्यूनोट को उधर भेजोगे स्क्वायर को नीचे भेजोगे तो बताओ यहाँ से तुमको म्यूनोट कितना मिलेगा तो म्यू नॉट इज इक्वल टू मिल जाएगा क्या? ना? ये वाला जो फॉर्मूला है यानी कि टोटल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट क्या वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है उसमें देखिए हम इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं इसको हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं हाफ एपसाइले नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप रहने दीजिए वैसे ही टू को भी रहने दीजिए और म्यू म्यूनॉट की जगह पे आप इस चीज को लेकर रख दीजिए यानी कि वन अपॉन एबसाइल नॉट इन टू क्या सी स्क्वायर अब ये कूद के कहा जाएगा ऊपर जाएगा तो इधर तो आपका हाफ एपसाइलेन ई स्क्वायर ही रहेगा बोलिए और ये एफसाइलन नॉट इंटू क्या सी स्क्वायर ऊपर चला गया फिर ये हो गया आपका बी स्क्र और डिवाइडेड बाय कितना रहेगा खाली ऐसा टू ही ना रहेगा अब प्रैक्टिकली इट इज फाउंड दैट जो स्पीड ऑफ लाइट होता है ना वो होता है एक्चुअली ई बाई बी क्या होता है e B. आप बताइए ऐसा कोई रिलेशन इसे पहले भी आपने देखा आपको याद आ रहा है कहा याद आ रहा है वेलोसिटी हाँ, बोलो सही बोल रही हो सुनो हाँ मैग्नेटिज्म में देखा था मैं याद दिलाता हूं तुमको तुमको याद होगा कि एक थ्री स्ट्रक्चर मैंने कुछ इस तरीके से बनाया था इस टाइप का एक थ्री स्ट्रक्चर था उसमें उसमें बाबू इधर की तरफ था इलेक्ट्रिक फील्ड याद है इधर की तरफ क्या था और एक चार्ज को हमको ऊपर फेंकना था तीनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर हुआ करता था और इस चार्ज को कुछ इस वेलोसिटी से फेंकना है इस पर नेट फोर्स जीरो हो जाए नेट फोर्स कितना हो जाए तो अगर आप चाहते हैं नेट फोर्स जीरो हो जाए तो उसके लिए याद है वीक्वल टू सम ई बाई बी आया करता था ना तो यहां पर भी देखो केस वैसा ही है अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहीं से गुजर रहा है बोलो जैसे इसी कमरे में देखें तो बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं हर बल्ब में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रहा है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और एक चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाता है मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाता है लेकिन फिर भी बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा पाता है क्या लाइट की वजह से किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है नहीं लगता है कहीं नहीं लगता है जबकि जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास उसका अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है तो इसलिए नहीं लगता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी सिचुएशन यही है और जो स्पीड लाइट होता है बोलो ना हाँ, वो होता है ई बाई बी यानी इस कंडीशन को कही कहीं ना कहीं फॉलो किया जा रहा होता है थोड़ा सा रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट आएगा ठीक है तो अगर स्पीड जो है ई बाई बी हो जाए तो चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स कितना लगेगा जीरो लगेगा इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में किसी भी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स नहीं लगता है अब एक काम करते हम इस सी की जगह पर ई बाई बी को रख देते हैं तो बताओ टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तुमको कितना मिल रहा है हाफ एप्साइले नॉट ई स्क्वायर प्लस बोलो हाफ एफ साइल नॉट ई स्क्वायर प्लस एफसाइले नॉट को ऐसे ही रहने दो और C की जगह पे E बाई B कर लो तो ये हो जाएगा तुम्हारा ई e और डिवाइडेड बाई क्या बी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ भी क्या है e अच्छा यहाँ भी बी स्क्वायर ही है और नीचे में और क्या है बाई टू नहीं है क्या अब ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया e और मिला जुला के तुमको मिल क्या रहा है e मिला जुला के e ये तुमको e टोटल एनर्जी पर यूनिट e वॉल्यूम कितना मिल रहा है हाफ एफ साइल ई स्क्वायर प्लस यहां पर भी हाफ है फिर है नॉट और फिर क्या है, e है। स्क्वायर तो तो देखिए, हमने इस वाले टर्म के साथ तो कोई छेड़खानी नहीं की है वो शुरू से ही वैसा ही चलता आ रहा था और वो अभी भी वैसा ही है लेकिन इस वाले टर्म को हमने थोड़ा बहुत मॉडिफाई करने की कोशिश की तो पता चला कि अल्टीमेटली गुना भाग होके कट कुट के और वही आ गया जितना पहला वाला था तो ये बाबू इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम था ये मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम था अरे था तो मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही ना ये अलग बात है कि इसी के बराबर आ गया तो इससे देखो ये कंक्लूजन निकलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में टोटल एनर्जी में जितना योगदान इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है ठीक उतना ही योगदान मैग्नेटिक फील्ड का भी होता है जैसे मान लो इतने बड़े इलाके में अगर दस जूल एनर्जी है किसकी वजह से इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब्स की वजह से तो उसमें पांच जूल इलेक्ट्रिक फील्ड का योगदान है पांच जूल मैग्नेटिक फील्ड का योगदान है और अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हाफ हाफ मिलके फुल हो जाता है कि नहीं तो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा आपका एबसाइल नॉट इन क्या ई का स्क्वायर अच्छा एक और बात है मान लीजिए हमने ये कहानी उल्टा देखा होता हमने इसको नहीं छेड़ा होता हमने इसको मॉडिफाई किया होता है तो आपको नहीं लग रहा है कि अल्टीमेटली ये इसके बराबर आ जाता है जब ये इसके बराबर आ गया तो ये भी तो इसके बराबर हो जाएगा तो उस केस में अगर मैं तुमसे कि बताओ टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना आता तो क्या बोलते ये भी आ जाता डिवाइडेड म्यू नॉट और ये भी आ जाता ये तो है ही बी स्क्र डिवाइडेड बाई टू नॉट तो ये भी लिखा हुआ है हाफ बी स्क्वायर म्यू नॉट ये भी लिखा हुआ है हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यूनोट और मिला जुला के क्या हो जाएगा तो बी स्क्र अपॉन ऐसा नॉट हो जाएगा <coughs> तो अगर आपको <coughs> टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए ना तो या तो आप <coughs> इसको डबल कर दीजिए तो आप इसको डबल करने का टू हो जाएगा. तो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम <coughs> या तो ई स्क्वायर होगा तो बी अपॉन म्यू नॉट हो जाएगा और मेन कॉन्सेप्ट ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का एकदम बराबर योगदान होता है ठीक है तो ये चीज है ये देख लीजिए उस पेपर में लिखा होगा जो मैंने कल आपको दिया था ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है देखो इधर देखो सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी होती है इन क्या फ्री स्पेस फ्री स्पेस का मतलब हुआ वैक्यूम में वो एक फंडामेंटल कांस्टेंट है और ये बात हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड होती है थ्री इंटू टेन टू पावर एट मीटर पर सेकेंड अभी फोन ऑन ऑफ करके रखिएगा तो लाइट की स्पीड बताइए कितनी होती है थ्री इंटू टेन टू दी पावर एट मीटर पर सेकेंड ये फंडामेंटल है 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 क्या फंडामेंटल है? और तुम सोच रहे हो इस पर इस पर तो समझाता हूं मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जो जा रहा है दस मीटर पर सेकेंड से हम तीन ऑब्जर्वर्स लेते हैं एक ऑब्जर्वर लेते हैं जो इधर जा रहा है पांच मीटर पर सेकेंड से एक ऑब्जर्वर लेते हैं जो खाड़ा है यानी कैसा है रेस्ट में और एक ऑब्जर्वर ऐसा है जो इधर जा रहा है पांच मीटर पर सेकेंड से आप बताइए इसकी वेलोसिटी मैंने लिख तो दी दस मीटर पर सेकेंड अरे बोलिए ना तो ये किसके रेस्पेक्ट में होगा उसके रेस्पेक्ट में जो आदमी जमीन से खड़े होकर देख रहा होगा अगर ऑब्जर्वर का जिक्र ना हो तो हम ग्राउंड फ्रेम को ही ना ऑब्जर्वर मान के चलते हैं यानी हम मान के चलेंगे कि आदमी जो जमीन पर चुप उखाड़ा है उसको दिख रहा होगा ये दस मीटर पर सेकंड से जाता हुआ ठीक है बढ़िया है क्या लग रहा है इसको भी वो दस ही मीटर पर सेकंड से जाता हुआ दिखेगा क्या नहीं याद करिए रिलेटिव मोशन का जिसमें हमने पढ़ा था कि जो ऑब्जर्वर होता है वो अपने आप को रेस्ट में मानता है अब याद करिए हम लोग कहते क्या था उससे उसका सब कुछ छीन के उल्टा करके दे देते थे तो जब हम इसका पांच मीटर पर सेकंड इसे छीन के उल्टा करके दे देंगे तो इसका पंद्रह मीटर पर सेकंड नहीं हो गया है तो सेम ऑब्जेक्ट सुनो एक मिनट इसके रेस्पेक्ट में दस मीटर पर सेकंड से जा रहा है इसके रेस्पेक्ट में पंद्रह मीटर पर सेकंड से जाएगा और इसके रेस्पेक्ट में बताओ वेलोसिटी छीनिए उल्टा करके दे दीजिए दस उधर पांच इधर नहीं समझ में आया दस उधर और पांच इधर तो मिला जुला के पांच मीटर पर सेकंड न उधर हुआ है तो एक ही ऑब्जेक्ट है तीन अलग अलग ऑब्जर्वर को तीन अलग अलग वेलोसिटी से जाता हुआ दिख रहा है इसका मतलब हुआ इसके रेस्पेक्ट में पांच मीटर पर सेकंड इसके रेस्पेक्ट में दस मीटर पर सेकंड इसके रेस्पेक्ट में तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये कांस्टेंट चीज है नहीं किसी भी, भी चीज की जो वेलोसिटी होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर ऑब्जर्वर के ऊपर ऑब्जर्वर बदल गया तो वेलोसिटी भी बदल जाएगी लेकिन ये चीज लाइट के साथ नहीं होता है अब समझिएगा मान लीजिए कि ये आपने एक टॉर्च जला दिया क्या जला दिया बोलिए जल्दी ये आपने टॉर्च जलाया टॉर्च जब आपने ऑन किया बोलिए ना तो इसमें से लाइट निकला तो बताइए लाइट की स्पीड कितनी होती है तो उसको कम दाम में बोला जाता है तीन लाख किलोमीटर पर सेकेंड थ्री इंटू टेन टू दी पावर एट मीटर पर सेकेंड को हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं तीन लाख किलोमीटर अरे यार किलोमीटर तो मैंने लिखा ही नहीं तीन लाख किलोमीटर पर सेकेंड सही है अब एक बात बताओ एक आदमी जो चुपचाप ऐसा जमीन पर खड़ा है उसको ये लाइट किस स्पीड से जाता हुआ दिखेगा तीन लाख किलोमीटर पर सेकेंड कहीं एक जगह एकदम रेस्ट में है वो हुँ? एक आदमी जो बाबू रे इधर, से, इधर की तरफ जा रहा है वन लाख किलोमीटर पर सेकेंड से और एक आदमी जो कि इधर की तरफ जा रहा है वन लाख किलोमीटर पर सेकेंड क्या लग रहा है क्या लग रहा है लाइट का स्पीड तीनों के लिए सेम होगा क्या इसके लिए ना होगा तीन लाख किलोमीटर पर सेकेंड इसके लिए कितना होगा तो एक काम करिए छीन के उल्टा करके दीजिए तो इसके रेस्पेक्ट में इस लाइट की स्पीड हो जाएगी दो लाख किलोमीटर पर सेकेंड अब तक जो हमने रिलेटिव मोशन पढ़ा है उससे हमने यही सीखा है और इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा छीनिए उल्टा करके दे, दे दीजिए <laughs> चार लाख किलोमीटर पर सेकेंड लेकिन यही नहीं होता है यही नहीं होता है लाइट की स्पीड इसको भी दिखेगी तीन लाख किलोमीटर पर सेकंड इसको भी दिखेगी तीन लाख किलोमीटर पर सेकंड और इसको भी दिखेगी तीन लाख किलोमीटर पर सेकंड यानी कि यहां जो रिलेटिविटी अब तक हम लोग पढ़ के आए हैं वो वैलिड नहीं है तो यहां यूज होता है स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी प्रोपोज बाई आइंस्टीन आप समझ रहे हैं उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि लाइट की स्पीड जो है वो एक फंडामेंटल कांस्टेंट है वो फ्रेम डिपेंडेंट आप खड़े होके देखिए चाहे चलते चलते देखिए आपको लाइट का स्पीड हमेशा तीन लाख किलोमीटर पर सेकंड दिखेगा अब ये बात पूरी दुनिया को वैसे ही आश्चर्यचकित किया जैसे आपको किया आपको भी अभी तो आश्चर्यचकित होंगे कि सर यहां पर तो ठीक है अलग अलग ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अलग अलग स्पीड e तो यहां ऐसा क्यों नहीं हो रहा है ना एक चीज और सुनिएगा इसमें हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपऑन क्या टाइम ऐसे नौवा क्लास वाला फॉर्मूला के हिसाब से मैं समझा रहा हूं तो इसमें क्या है ना कि हम लोग पता है किसको कांस्टेंट मान के चलते हैं हम लोग बाबू अगर हम दो लोगों की बात करें तो दो लोगों के लिए हम लोग टाइम को कॉन्स्टेंट मान के चलते हैं डिस्टेंस और वेलोसिटी अलग अलग हो सकता है एग्जाम्पल से समझिए मान लीजिए कि ये और ये अभी मिले मिले ही हैं अभी एक साथ ही में अब ये लोग मान लीजिए दूर हो गए चुप रहो चुप रहो नहीं तो मैं तुमसे <coughs> सुनो ये लोग मान लो अभी मिले हैं और ये लोग मान लो दूर हो गए तो ये इसने चलना दोनों को ना अब सिर्फ चलते रहना है रुकना हाँ तो ये पूरा एक साल चला पैदल चला मान लो एक साल पैदल चला और उतनी ही देर ये जो है एक साल साइकिल से चला लगातार एक सेकंड के लिए भी ये लोग नहीं रुके हैं ठीक है शांत रहिए ना हाँ तो एक बात बताइए कि मान लो कि ये सोलह साल का है ये सत्रह साल का मान लो तो एक साल बाद जब ये लोग मिलेंगे तो ये कितने साल का हो गया रहेगा ये सत्रह का हो गया रहेगा ये ऐसा तो नहीं ना होगा कि एक का उम्र एक साल बड़ा होगा एक का उम्र दो साल बढ़ गया ऐसा पॉसिबल है कि दो आदमी मिला बिछड़ा और जब दोबारा मिला तो एक का उम्र बस एक साल बढ़ा या दूसरे का चार साल बढ़ गया ऐसा पॉसिबल है एकदम पॉसिबल नहीं है तो हमारे लिए यहां पर दोनों का क्या है जो कॉन्स्टेंट है टाइम लैप्स टाइम लैप्स कॉन्स्टेंट है बाकी डिस्टेंस और स्पीड दोनों का सेम ये पैदल चला है तो कम स्पीड से चला होगा हो वो साइकिल से चला है तो वो ज्यादा स्पीड से चला होगा तो स्पीड भी नहीं है और ये पैदल चला है तो कम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो अगर साइकिल से चला है तो उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा तो बताइए इस फॉर्मूले में हमने क्या कॉन्स्टेंट रखा इन दोनों के लिए टाइम कॉन्स्टेंट रखा है दोनों की जिंदगी में गुजरा है बस एक साल लेकिन डिस्टेंस दोनों के द्वारा ट्रेवल्ड डिस्टेंस और दोनों की स्पीड सेम नहीं है लेकिन आइंस्टीन ने कहा कि जब बात लाइट की होगी या लाइट के आसपास के स्पीड की अगर बात हम करने लगे ना तो उस केस में या चलो लाइट की ही बात करें उस केस में यह चीज कांस्टेंट होता है वेलोसिटी क्या हो जाता है तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो जाएगा अगर डिस्टेंस वेरिएबल है तब तो टाइम को भी क्या होना पड़ेगा वेरिएबल होना पड़ेगा जा अगर मान लो इसको कॉन्स्टेंट रखना है और डिस्टेंस हमने डबल कर दिया तो टाइम को भी क्या करना पड़ेगा डबल तब ना के फिर से वापस से वही आएगा तो आइंस्टीन के हिसाब से स्पीड कांस्टेंट होता है आपको मन करे तो आप टाइम को वेरिएबल अब इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं जो कि एच वर्मा की किताब आप देखे हुई सबसे आखिरी चैप्टर आप जाके देखिएगा कहा देखिएगा आखिरी चैप्टर जाके देखिएगा तो उसमें थियरी ऑफ रिलेटिविटी हल्का फुल्का समझाया गया है बहुत डिटेल में नहीं बताया गया लेकिन हल्का फुल्का समझाया गया है अब उसमें एग्जाम्पल ये दिया गया है ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी आपको दिया होगा जरूर कि एक एक साइंटिस्ट रहता है ये एग्जाम्पल मैंने बताया है अच्छा साइंटिस्ट रहता है तो उसका उम्र होता है लगभग पैतालीस साल कितना होता है और उसकी एक सेक्रेटरी है उसका उम्र है बीस साल मतलब यार बीस साल मतलब ये वो क्यों किए थे कि बहुत कम उम्र में उसने काफी कुछ अचीव कर लिया इसीलिए अच्छा ठीक है सही बात है रील्स बनाने के चक्कर में नहीं रही होगी अभी क्या है कि इन दोनों को अरे इन दोनों को शादी करनी है इन दोनों को शादी करनी है लेकिन ये थोड़ा सा सोशली एक्सेप्टेड नहीं है कहे कि <coughs> उम्र का डिफरेंस बहुत दोगुने से भी ज्यादा उम्र का ये है तो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है ये अब साइंटिस्ट क्या करता है कि एक स्पेसशिप में बैठता है और काफी हाई स्पीड से मतलब समझ लीजिए ना कि जैसे लाइट का स्पीड तीन लाख किलोमीटर पर सेकंड है ना तो डेढ़ लाख किलोमीटर पर सेकंड चाहे दो लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से स्पेस क्राफ्ट से थोड़ा स्पेस में हाँ दो साल के लिए घूम के आता है कितने साल के लिए दो साल के लिए तो जब साइंटिस्ट वापस धरती पर लौटता है इसकी उम्र बढ़ के कितनी हो चुकी रहेगी सैतालीस साल और उसकी सेक्रेटरी की उम्र बढ़ के हो चुकी है चालीस साल जा, जा 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 आया ना आप बताइए कि यहां पर जब वो मिल थे सॉरी जब वो बिछड़े थे तो पैतालीस साल और बीस साल के थे लेकिन जब वो दोबारा मिले तो एक का उम्र सिर्फ कितने साल बढ़ा है और दूसरे का उम्र साल बढ़ गया है आप समझ रहे हैं तो ये एग्जाम्पल उस स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी में आप जाके देखिएगा अच्छा इसका देखो बहुत ज्यादा डिटेल में तो हम इसको नहीं समझा सकते हैं लेकिन इसका एक छोटा मोटा रीजन हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमको क्या रखना होता है स्पीड को अगर हम लोग एक फंडामेंटल क्वेश्चन मान के चल रहे हैं तो डिस्टेंस और अगर किसी ने ज्यादा ट्रेवल किया है तो समझ लीजिएगा मतलब अगर डिस्टेंस वेरिएबल है तो समझ लीजिएगा टाइम भी वेरिएबल हो जाएगा अरे बोलो ना डिस्टेंस वेरिएबल तो टाइम भी वेरिएबल होगा इस हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं तो अब चूंकि साइंटिस्ट जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस में ट्रेवल करके आ रहा है बोलो तो इसीलिए टाइम उसके लिए बस कितना साल गुजरा है दो साल गुजरा है लेकिन उसकी उसके जो क्या कहा जाता है सेक्रेटरी के लिए टाइम बीस साल गुजर गया है ठीक है और चालीस साल की हो गई है अब उम्र का गैप कुछ बहुत ज्यादा नहीं रहा है अब इनकी शादी आराम से हो सकती है, है कि नहीं पार्टी करने तुम जाएगा ठीक है तो ये सब अभी के आपके सिलेबस में नहीं है क्या बात करते हो लड़की चालीस साल तक तो रुकी रहेगी नहीं ऐसा नहीं है ये ए। अरे यार इसका नाम तो प्यार है ये वादा करके गया था कि मैं लौट के आऊंगा आप, आप सुनिए एक मिनट एक एक मूवी है शांत रहिए। एक मूवी है इंटर मूवी का नाम सुना है आपने और आपने देखा भी होगा बहुत लोगों ने कितने लोगों ने देखा है इंटर तुम देखी है अच्छा मतलब इधर कुछ लोगों ने देखा है तो उस मूवी का उस मूवी का थीम ये है कि उसमें भी एक साइंटिस्ट होता है तो मेरे ख्याल से पैंतीस चालीस साल का वो होगा तो उसकी एक बेटी है सात आठ साल की है अब उस साइंटिस्ट को ना कुछ घंटे जाके बस स्पेस में गुजारना है एक ब्लैक होल के सामने से उसको होके आना है और ज्यादा देर नहीं रहना है हमको लग रहा है कि मैंने बहुत पहले देखा था लेकिन हम शांत रहिए ना उसको बस कुछ ही घंटे स्पेस में गुजारने हैं ठीक है और फिर वापस धरती पे आ जाना है तो उसकी बेटी उसको <coughs> नहीं जाने देना चाह रही है रीजन यह है कि जहां से उसको जाके आना है वहां बहुत ज्यादा खतरा है स्पेस तो वैसे भी खतरों से भरा हुआ है तो लौट के आने की संभावना बहुत कम है तो इसीलिए वो अपने पापा को नहीं जाने देना चाह रही है लेकिन किसी तरीके से उसको धोखा देकर वो चला जाता है स्पेस में कुछ ही घंटे वो गुजारता है जब वो लौट के आता है तो उसके उम्र में कितना चेंज हुआ होगा कुछ घंटों का हुआ होगा लेकिन उसकी बेटी जो सात आठ साल की थी वो लगभग एक सौ कितने साल की हो गई रहती 118 साल की हो गई वो बहुत बूढ़ी हो गई है आईसीयू में पड़ी हुई है और वो अभी भी अपने पापा का इंतजार कर रही है वो आते हैं उसे मिलते हैं अब बेटी है बूढ़ी हो गई है पापा अभी वही है।, वही है वही है तो ऐसा होता है इसको टाइम डायलेशन कहा जाता है ठीक है ऐसा होता है अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है जरूर थियोरिटिकली होता होगा ऐसा <laughs> जरूर थियोरिटिकली होता होगा कि प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक आदमी को उम्र में बस दो घंटे का इजाफा हो और उसके साथ वाले का उम्र सौ साल बढ़ जाए तो बाबू ये जानने के आइंस्टीन ने जब ये प्रपोज किया था ना तो लोगों ने एक्सेप्ट किया लेकिन थियोरिटिकली एक्सेप्ट किया आइंस्टीन ने कोई एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखाया देखिए कोई भी थियोरी जब तक एक्सपेरिमेंटली प्रूफ ना हो जाए ना तब तक उस पर हम लोग भरोसा नहीं करते हैं तो लगभग में में या नासा ने ये एक्सपेरिमेंट सही में करके देखा उसने दो घड़ी लिया दोनों के टाइम को एग्जैक्ट मैच करा दिया एक घड़ी को यहां धरती पर रखा दूसरी घड़ी को एक स्पेस क्राफ्ट में डाल के कुछ दिन के लिए स्पेस में मूव करने के लिए छोड़ दिया होगा कोई सैटेलाइट जो स्पेस में मूव करता होगा वापस से जब वो लौट के सैटेलाइट आया ना तो जब दोनों घड़ी को मिलाया गया तो सही में ये देखा गया कि जो घड़ी धरती पे था उसमें टाइम काफी आगे बढ़ चुका है और जो घड़ी को हमने भेजा था उसमें टाइम काफी पीछे रह गया है तो ये चीज एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ हुआ है समझ रहे हो और ये जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी है इसको समझना ऐसे पांच मिनट दस मिनट के बस की बात नहीं है अदरवाइज में समझा देता बस मैंने क्या अरे शॉर्टकट में यार मैं बता रहा हूं तुमको जब आइंस्टीन ने ये बात बताया था ना तो पूरी दुनिया का वही हाल था जो अभी तुम्हारा है कोई मानने को तैयार नहीं, नहीं था तो उस जमाने में उस जमाने में आइंस्टीन को ना ये पर्सनली हर देश में जा जा के साइंटिस्ट लोगों को इकट्ठा कर कर के और सामने से समझाना पड़ता था अब पहले यूट्यूब थोड़े था कि लाइव हो जाएंगे और सारा देश का साइंटिस्ट सब जुड़ जाएगा ये लगभग सौ साल पुरानी बातें हैं तो उनको पर्सनली हर देश में जा जा के समझाना पड़ता था अच्छा पहले क्या होता था पहले पेपर पब्लिश किया जाता था आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो पेपर पब्लिश किया जाता था वो पेपर पढ़ के भी किसी को समझ में नहीं आता था अगर पढ़ के ही सब कुछ समझ में आने लगे तो इस क्लास में कोई आएगा क्या सारा चीज किताब में तो भरा पड़ा है कि नहीं तो आइंस्टीन को पर्सनली जाना पड़ता था हर देश में लोगों को समझाने इसके पीछे तो उनके और उनके ड्राइवर की कहानी भी बहुत फेमस है जो आप लोग जानते हुएगा ये कहानी आप नहीं जानते हैं क्या अरे सुनिए बता रहा हूं जब उन्होंने ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया तो किसी को समझ में नहीं आया बहुत अजीब लगा लोगों को क्योंकि इससे पहले तक लोग न्यूटन का मैकेनिक्स पढ़ते थे और न्यूटन के मैकेनिक्स के हिसाब से स्पीड जो है वो रिलेटिव होता है अलग, अलग अलग लोगों के रेस्पेक्ट में अलग अलग होता है और टाइम जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा दो लोगों के लिए एक आदमी के लिए जितना समय गुजरेगा दूसरे के लिए भी उतना ही समय लेकिन आइंस्टीन ने आते ही सब इधर उधर कर दिया लोगों को नहीं समझ में आ रहा था अब उनको देश हर देश में जाके समझाना पड़ता था तो जनरली उस जमाने में यूरोप ही थोड़ा सा डेवलप था जहां ये सब रिसर्च वगैरह होता था और जो पूरा यूरोप है ना वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारे देश में राज्य है बोलो ना जैसे आप चाहिएगा तो एक दिन में ट्रेन से आप तीन चार राज्य क्रॉस कर सकते हैं कि नहीं तो उधर आप चाहिएगा तो एक दिन में तीन चार को देश क्रॉस कर करिएगा छोटा छोटा देश है जितना बड़ा बिहार है उतना बड़ा समझ लीजिए इटली है ना जितना बड़ा झारखंड है उतना बड़ा जर्मनी इस हिसाब से है तो आप अगर एक हफ्ता का ट्रिप करने यूरोप जाइएगा तो आठ दस गो देश आराम से घूम के आ सकते हैं ठीक है तो वो बहुत बड़ा बड़ा देश नहीं है तो आइंस्टीन कार से अपने कार से हर देश में जा, जा साइंटिस्ट लोगों को इकट्ठा करके समझाया करते थे उनका एक ड्राइवर था 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 उसका नाम था हांस। क्या नाम क्या अब वो ड्राइवर 40 साल के उन से उनके साथ था लेकिन उस ड्राइवर को कभी मौका नहीं मिला था कि आइंस्टीन से एक लाइन बात कर पाए आइंस्टीन आते थे पीछे बैठते थे बोल देते थे फलाना जगह जाना है और फिर अपने पेपर में

किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे लेकिन किस देश में जा रहे थे वो मुझको नहीं याद है तो उस समय ना आइंस्टीन थोड़ी देर के लिए रिलैक्सड हुए कार में मैंने अपना पेपर ऊपर समेट कर उन्होंने थोड़ा ऐसा बगल में रखा ड्राइवर ने जो पीछे वाला नहीं साइड व्यू मिरर थोड़े बोला बैक व्यू मिरर जो होता है उसमें देख लिया कि आइंस्टीन अभी रिलैक्स अभी कुछ कर नहीं रहे तो उसने सोचा अच्छा मौका है मैं इनसे आज बात करता हूँ तो बोला कि सर आई वॉन्ट टू से यू समथिंग तो उन्होंने कहा कि ठीक है बोलो तो बोला कि सर इट्स माई ऑनर टू ड्राइव द जीनियस लाइक यू ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आपके जैसे जीनियस को ड्राइव करके कहीं लेके जाता हूँ अब ये के आइंस्टीन डिप्रेशन में आ गए वो अजीब उनका दिमाग हो गया वो बोलने लगे कि योर वर्ड मेक मी टायर्ड अभी अभी तुम घर चलो तुम्हारी बातों ने मुझको थका दिया है अभी मैं लेक्चर नहीं ले पाऊंगा अब मेरा मूड अजीब हो गया है मैं वहां लेक्चर ले रहा हूँ तुम्हारी बातें मेरे दिमाग में घूमेंगी है होता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको तारीफ कर दोगे ना तो उनको बुरा लग जाता है अच्छा तो साइंटिस्ट वैसे भी पागल होता है सब आता है कि नहीं तो उनको बुरा लग गया वो बोले कि हम लेक्चर लेंगे नहीं अब तुम घर चलो अब ये बात ड्राइवर के लिए बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग था क्योंकि आइंस्टीन का अपना एक रेपो था ना रेपोटेशन था अब अगर मान लीजिए कि वहां पचास साठ साइंटिस्ट इकट्ठा हुए हैं इंतजार हो रहा है कि आइंस्टीन आएंगे और आइंस्टीन नहीं जाएंगे तो अगले दिन पूरी दुनिया के पेपर में छप जाएगा ये चीज़ कि हाँ बोल के फिर नहीं आए तो बदनामी होगी इससे और ये सारा जो क्लेम है वो किस पर जाएगा ड्राइवर पर जाएगा वो खुद बेचारा सारा ब्लेम ले लेगा ले तो अब क्या है वो रिक्वेस्ट करने लगा है कि प्लीज माफ कर दीजिए आज के बाद हम टेप चिपका के गाड़ी चलाएंगे आपसे कुछ नहीं बोलेंगे एक बार के लिए बस माफ़ कर दीजिए लेकिन चलिए आप लेक्चर ले लीजिए आपकी इज्जत का सवाल है मेरा कौन सा इज्जत है वो बोले कि ना अभी तुम घर चलो पहले तो हम ड्राइवर चेंज करेंगे उसके बाद हम फिर कभी के इधर देंगे। बोला कि सर, तब एक काम आप। आप आप पीछे हम लेक्चर लेंगे।, लेंगे थियरी ऑफ रिलेटिविटी का अब आइंस्टीन को भी बड़ा अजीब लगा पूछे कि तुम कहाँ तक तो पढ़ा है बोला कि दसवीं पास है सर हम तो बोला कि तुम दसवीं पास है और वहां ना जाने कितना पीएचडी करके बैठा होगा पांच पांच गो पीएचडी करके बैठा होगा सर दुनिया का महान से महान साइंटिस्ट सब आया हुआ है और उस सबको तुम दुनिया का सबसे टफ कॉन्सेप्ट थियरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ाओगे मजाक कर रहे हो तो बोला कि नहीं सर ऐसा नहीं है आज तक तो आप पचासों कॉन्फ्रेंस किए हैं हर बार मैं पीछे गेट पर खड़ा होकर सुनता था मुझको एक एक लाइन याद है कि आप किसके बाद क्या एग्जाम्पल देते थे किसके बाद कौन सा स्टेटमेंट बोलते थे मुझको सब याद है आप मुझ पर भरोसा करिए मैं पूरा लेक्चर ले सकता हूँ ठीक है अब ये चीज आइंस्टीन को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा उन्होंने सोचा कि चलो करके देखते हैं ठीक है अगर मान लीजिए गड़बड़ाएगा तो फिर मैं तो हूं ही संभाल लूंगा मैं तो उन्होंने कहा चलो ठीक है चलते हैं तो वो लोग वहां से आगे बढ़े कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ जब एक दो किलोमीटर बाकी था तब ड्राइवर ने बोला कि सर एक काम करिए ना जब लेक्चर हम ही को लेना है तो हम आ जाते हैं पीछे आप आगे आ जाइए नहीं नहीं इसके पीछे एक साइकोलॉजी है अगर वहां जाने के बाद पता चलेगा कि आइंस्टीन आए हैं और वो लेक्चर नहीं लेंगे उनका ड्राइवर लेगा तो पहले ही जितने सारे साइंटिस्ट हैं उनके मन में डाउट आ जाएगा कि 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 पता नहीं 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 ये क्या पढ़ाएगा पढ़ाएगा है है अब जैसे मान लो किसी दिन मैं हूं, बोलो कि आज मेरा पढ़ाने का मन ई -E लड़का आके अच्छा है पंकज आके पढ़ाएगा प्रिंस भले वो कितना भी अच्छा क्यों ना पढ़ाए लेकिन मन में तो आपका डाउट रहेगा कि ये लाख अच्छा पढ़ा रहे लेकिन उतना अच्छा तो शायद नहीं पढ़ा रहा होगा जितना अगर शिवम सर होते तो वो पढ़ाते है कि नहीं तो ये डाउट ना रहे ये डाउट ना रहे इसलिए सर एक काम करिए हम आ जाते हैं पीछे आप आ जाइए आगे है 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 कि कि नहीं ताकि लोग जो वो वो समझे आइंस्टीन आइंस्टीन से ही पढ़ रहा तो तो फुल फोकस के साथ पढ़े ठीक तो को ये बात भी अच्छा लगा बोला कि सही है ये भी ठीक है तो आओ तुम पीछे आ जाओ मैं आगे आ जाता हूं फिर ड्रेस भी एक्सचेंज हुआ अब ड्राइवर का ड्रेस पहन के पीछे थोड़े बैठेगा ड्रेस भी एक्सचेंज हुआ टोपी ओपी जो भी वो लोग लगाए थे वो भी एक्सचेंज हुआ गाड़ी पहुंची कॉन्फ्रेंस हॉल के सामने गेट खुला गेट खुला तो हम फूल उल माला वाला लेके सब आया बुके वगैरह लेके और जो ड्राइवर पीछे बैठा हुआ था पहनाया गया अब मेन आइंस्टीन को कौन पूछ रहा है वो <laughs> बेचारा अपने से गेट खोल के गया सब कॉन्फ्रेंस हॉल में ड्राइवर ने पूरा लेक्चर लिया थियरी ऑफ रिलेटिविटी का एकदम आइंस्टीन पीछे खड़े होकर देख रहे थे एकदम लाइन बाई लाइन वैसा ही था जैसा वो समझाया करते थे वैसा ही अंदाज वही सारा एग्जाम्पल है कि नहीं सारे साइंटिस्ट लोगों को सब कुछ एकदम हर चीज समझ में आ गया कहीं कोई डाउट नहीं था लेकिन प्रॉब्लम अब शुरू हुआ जब ये लेक्चर खत्म हुआ तो उसमें एक साइंटिस्ट बैठा हुआ था जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में प्रॉब्लम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आइंस्टीन का ही दिया हुआ है ठीक है अब होता नहीं है क्या कि अगर मान लो समय किसी बड़े मैं एच वर्मा को बुलाऊं कि थोड़ा ये इन लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा दीजिए तो हो सकता है पढ़ाने के बाद जब लेक्चर खत्म हो जाए तो आप कहीं मैग्नेटिज्म में से भी कुछ पूछ सकते ठीक है मैग्नेटिज्म में अगर आपको कोई डाउट है तो हो सकता है आप वो भी उनसे पूछ सके कि ऐसी बार में आ रहे हमको ये बहुत बड़ा डाउट है हम उनसे पूछ लेंगे <coughs> तो एगो साइंटिस्ट को <coughs> प्रॉब्लम था किसमें किसी दूसरे कॉन्सेप्ट मान लीजिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में प्रॉब्लम था <coughs> तो आया बोला कि सर ऑफ रिलेटिविटी तो सही में सर बहुत बढ़िया समझ में आ गया लेकिन देखिए ना फोटो इफेक्ट का ये जो हमको समझ में नहीं आया थोड़ा ये समझा दीजिए अब आप बताइए ड्राइवर को ये चीज पता होगा क्या अब यही पे आता है प्रेजेंस ऑफ माइंड वो बोला वो बोला कि रे ये 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 तुमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में प्रॉब्लम है इतना छोटा मोटा कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है कहाँ का है तुम है कहां कहाँ का इतना बड़ा साइंटिस्ट है इतने छोटे मोटे कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है अरे ये कॉन्सेप्ट तो मेरा ड्राइवर बता देगा तो बोला गया कि ड्राइवर कैसे बता देगा हम पीएचडी किए हुए हैं हमको प्रॉब्लम है आपका ड्राइवर कैसे बता देगा तुमको भरोसा नहीं होता ए ड्राइवर आ भी था समझा दो ठीक है तो अब तो खुद साइंटिस्ट आइंस्टीन थे बहुत बढ़िया से समझा दिए तो उसके बाद अगले दिन पेपर में मैंने गलाइन आइंस्टीन तो आइंस्टीन उनका ड्राइवर भी बहुत जीनियस है ठीक है तो अब हुआ क्या कि अब घर चला जाए हो गया सब को, किसी को नहीं पता चला कि असली कौन था नकली कौन था है कि नहीं <laughs> फिर जाते समय भी वही चीज हुआ जो असली आइंस्टीन थे वो ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर कहाँ पीछे बैठा अब एक दो किलोमीटर जब ये लोग आगे गए तब तो ड्राइवर ने बोला कि सर अब हो गया ना नाटक खत्म करते हैं अब मैं आगे आता हूं आप पीछे आते हैं तो आइंस्टीन ने बोला कि ना नाउ इट्स माई ऑनर टू ड्राइव द जीनियस लाइक यू और वो खुद उसको ड्राइव करके घर लेके गए थे ठीक है तो आप सोचिए कि जिस थियोरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने में दुनिया के बड़े बड़े का हालत खराब हो जाता था तुम बोल रहे हो कि सर उसको शॉर्टकट में समझा दीजिए कभी होगा फुर्सत एक दो घंटा का तो मिल क्या हुआ <laughs> तो मैं तो ये बता रहा था कि वो कितना टफ है ठीक है सुनो अब हल्ला मत करो <laughs> So, एक लाइन का कॉन्सेप्ट है आधा घंटा ले गया इधर देखो अगला कॉन्सेप्ट ये है कि इट इज नॉन मैकेनिकल वेब बाबू वेब दो तरीके का होता है ऐसा वेब जिसको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत है उसको बोला जाता है मैकेनिकल वेव और जो बिना मीडियम के भी प्रोपोगेट कर सके उसको क्या बोला जाता है क्या बोला जाता है नॉन मैकेनिकल वेब अब जैसे साउंड वेव है तो साउंड वेव को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत है हवा हो पानी हो कोई सॉलिड चीज हो लेकिन मीडियम चाहिए जब तक मीडियम के पार्टिकल्स का ऑसिलेशन नहीं होगा तब तो तक साउंड वेव आगे नहीं बढ़ेगा आप स्पेस में जाकर कितना चिल्ला चिल्ला के बोलिएगा आपके बगल में यहां यहां पर कोई आदमी होगा उसको कुछ सुनाई नहीं देगा वेव ऑन स्ट्रिंग की बात करें तो जाहिर सी बात है धागे में अगर आपको वेव बनाना है तो धागा तो होना चाहिए ना तो इन लोगों को मीडियम की जरूरत है ये लोग मैकेनिकल वेव है लेकिन लाइट वेव के लिए लाइट वेव कहना ठीक नहीं रहेगा इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहेंगे इसके लिए मीडियम नेसेसरली रिक्वायर्ड नहीं है मीडियम नहीं भी होगा तब ये प्रोपोगेट करेगा और मीडियम होगा तब भी करेगा अब जैसे मान लो कि सूरज से धरती तक जो लाइट आता है तो क्या रास्ते में उसको मीडियम मिलता है मीडियम कहां मिलता है एटमोस्फेयर में एंटर करने के बाद एयर के रूप में मीडियम मिलता है मान लो में अगर यही लाइट जा रहा है तो पानी में भी वो ट्रेवल करता है ठीक तो कर है, कर है।, है तो ये चीज लिखा हुआ है प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो हालांकि इट कैन ऑल्सो प्रोपोगेट इन मटीरियल मीडियम बिना मीडियम के भी प्रोपोगेट कर सकता है मीडियम में भी कर सकता है बट विथ डिफरेंट स्पीड और ये चीज हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा है कि मीडियम बदलता है तो लाइट की स्पीड भी बदल जाती है और स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वन अपॉन एप्साइलन इंटू म्यू जिसमें एपसाइलन जो है वो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है और म्यू जो है वो परमिबिलिटी ऑफ मीडियम है यही चीज अगर हम वैक्यूम के लिए देखें तो बाबू वैक्यूम में स्पीड इस ऑफ लाइट को कैसे नोट किया जाता है सी से और ये बन जाएगा वन अपॉन अंडर रूट एपसाइलन नॉट इंटू क्या म्यू नॉट हो जाएगा बोलो तो एक और बात है कोई अगर आपसे पूछेगा कि किसी मीडियम में जाके लाइट की स्पीड क्यों बदल जाती है तो आप उसको बताइएगा क्योंकि मीडियम चेंज होता है तो परमिटिविटी भी चेंज हो जाएगा और परमिएबिलिटी भी चेंज हो जाएगा और चूंकि ये दोनों चेंज हो जाएगा इसीलिए स्पीड भी चेंज हो जाता है ठीक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी भी होता है और मोमेंटम भी होता है तो ये सब हमने पहले ही पढ़ रखा है तो इसके बारे में अभी बहुत डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी होती है वो होती है एच इन टू न्यू या फिर एच सी अपॉन लैमडा पढ़ा है इसके ऊपर और जो मोमेंटम होता है वो होता है एच अपॉन लेमडा ठीक है चलिए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जॉट प्रेशर कॉल्ड क्या रेडिएशन प्रेशर अब चूंकि हर वो चीज जिसके पास मोमेंटम है ना वो किसी चीज से टकराएगा तो फोर्स लगाएगा क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को ही क्या बोला जाता है फोर्स बोला जाता है ए न्यूटनस सेकंड लॉ क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स तो अगर किसी भी चीज के पास मोमेंटम है वो किसी से टकराएगा तो वो उसके ऊपर फोर्स लगेगा इसका मतलब हुआ ना कि जब आप लाइट डालिए गाइस हाथ पे तो इस लाइट की वजह से इस पर फोर्स लगेगा हालांकि वो बहुत कम होता है महसूस नहीं कर पाते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा ही सही लेकिन लगेगा और और फोर्स पर यूनिट एरिया को को ही क्या बोला 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 जाता 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 है 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 प्रेशर 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 यानी लाइट भी एक्सर्ट करता उस रेडिएशन प्रेशर पहले के सिलेबस में इन सब पर न्यूमेरिकल्स भी पढ़ना होता था अब सब हटा दिया है ठीक है चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तो जब कभी भी हम लोग सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को उनके वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी के बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में अगर हम सजा के लिख दें तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम लोग जनरली वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ हम लोग लिखते हैं तो बाबू जो सबसे छोटा वेवलेंथ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कौन होता है और एक बात याद रखना जैसे जैसे तुम इधर जा रहे हो वेवलेंथ बढ़ रहा है लेकिन फ्रीक्वेंसी कम हो रही है ना और फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो बाबू एनर्जी भी कम होगी तो सबसे ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन होता है और ये चीज तुम भली भांति जान चुके हो कि ये सबसे ज्यादा एनर्जी होता है याद है न्यूक्लियर एक्सप्लोशन जहां होती हैं वहां पर ये निकलता है उससे थोड़ा कम एनर्जी होता है उससे थोड़ा इससे थोड़ा ज्यादा वेवलेंथ होता है इससे थोड़ा कम फ्रीक्वेंसी होता है एक्सरे का अरे बोलो ना ठीक है उसके बाद आता है अल्ट्रा वॉयलेट उसके बाद विजिबल फिर आता है इंफ्रारेड फिर आता है माइक्रोवेव फिर आता है रेडियोवेव विजिबल जो है जो हमको दिखाई देता है वो होता है वॉयलेट से लेके वी आई बी जी वाई ओ और आर ना वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड तो ये हमको दिखाई देता है बाकी इससे पहले वाला इसके बाद वाला हमको दिखाई नहीं देता है ठीक है तो यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अब गामा रे का वेवलेंथ कितना होगा चाहे फ्रीक्वेंसी कितनी होगी एनर्जी कितनी होगी इसके लिए एक टेबल है ये अब ये टेबल आप याद मैं तो यार रेकमेंड नहीं करूंगा कि अभी पूरा याद करना है लेकिन एग्जाम से पहले एक बार थोड़ा देख के जा सकते हो याद करके जा सकते हो तो ठीक रहेगा कभी कभी पूछ देता है बिहार बोर्ड में तो पूछेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है सत्तर को पैंतीस को बनाना है तो ऐसा डेटा बेस्ड पूछेगा तो बयालीस तो छोड़ो तो थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है जो आपका गामा रे होता है उसका जो वेवलेंथ होता है वो टेन टू दावर माइनस थ्री नैनोमीटर से भी छोटा होता है रहो

सात सौ से लेके एक मिलीमीटर तक एक मिलीमीटर तक कौन होता है इंफ्रा रे एक मिलीमीटर से लेकर लगभग दस सेंटीमीटर तक कौन होता है माइक्रोवेव होता है दस दस सेंटीमीटर लंबा इसका वेवलेंथ होता है एक एक को वेव हुआ हो गया कितना लंबा दस सेंटीमीटर अब बाबू अगर हम रेडियो वेव की बात करें रेडियो वेव जो मोबाइल के रेडिएशन में मोबाइल से निकलता है जो रेडिएशन या कम्युनिकेशन सिस्टम में जो इस्तेमाल होता है वो सब कौन होता है रेडियो वेव और वो वो लगभग जीरो पॉइंट वन मिलीमीटर सॉरी जीरो पॉइंट वन मीटर का मतलब हुआ दस सेंटीमीटर दस सेंटीमीटर से लेके फ्यू किलोमीटर तक होता है एक ही वेव कुछ किलोमीटर तक लंबा होता है एक ही वेव रहेगा आप समझ रहे हैं वो कौन सा वेव होता है और रेडियो वेव होता है ठीक है चलिए रही बात फ्रीक्वेंसी की तो उसी के हिसाब से देख लीजिए फ्रीक्वेंसी बढ़ते क्रम में जाएगा थ्री इंटू टेन टू दी पावर ट्वेंटी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी अगर होगा तो वो कौन सा होगा गांधी थ्री इंटू टेन टू दी पावर सत्रह से थ्री इंटू टेन टू दावर बीस तक अगर रहेगा तो वो एक्सरे होगा सेवन पॉइंट फाइव इंटू इतना से थ्री इंटू तो कौन होगा ठीक है ये देख लीजिएगा आप अपना रही बात एनर्जी की तो एनर्जी का आइडिया थोड़ा बहुत हमको पहले से था कि जो गामा रेज होती हैं, उनकी एनर्जी होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, याद है तो बाबू 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग 300 सौ गीगा अरे मेगा का मतलब होता है टेन टू द पावर सिक्स गीगा का मतलब होता है टेन टू दावर नाइन लगभग 300 सौ गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत खतरनाक होता है इनका एनर्जी ठीक है उसके बाद 1.2 से लेके सॉरी 1.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 1.2 पॉइंट टू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्सरे आ जाएगा अच्छा विजिबल का भी तो नहीं नहीं ये तो विजिबल नहीं है ऐसे उल्टा ना चलना पड़ेगा हमको 1.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके नहीं नहीं सॉरी ठीक तो था 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 1.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक तो कौन जाएगा अल्ट्रा वायलेट जाएगा और याद होगा आपको 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लगभग 3.1 या 3.2 ठीक है चलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक विजिबल आएगा फिर ये सब भी आ जाएगा ठीक है तो ऐसा होता है जनरली माइक्रोवेव और रेडियोवेव जो है वो उनके फ्रीक्वेंसीज के टर्म में ज्यादा याद रखा जाता है शांत रहिए माइक्रोवेव और रेडियोवेव को अगर आपको डिस्क्राइब करना है ना तो उसके लिए मेनली क्या यूज होता है उनका फ्रीक्वेंसी जैसे मैं बताऊं कि रेडियो वेब का ही इस्तेमाल होता है कम्युनिकेशन सिस्टम में एफ वगैरह का नाम सुना है आपने एफ गाना वाना चलता है उसमें तो आप देखिएगा आप किसी भी बड़े सिटी में जाइएगा ना बेतिया में तो नहीं है एफ चाहे विविध भारती वगैरह तो चलता है शायद इधर हाँ विविध भारती का कितना है बताओगे एक सौ छ दशमलव दो होता है क्या या सॉरी एक सौ एक सौ दो दशमलव छ होता है एक सौ एक दसंगलो? जीरो वन पॉइंट वन कोई बात नहीं मुझको उतना याद नहीं है तो विविध भारती बताता है सांत अच्छा अच्छा एक रेडियो मिर्ची होता है हाँ तो रेडियो मिर्ची उस सिर्फ रेडियो मिर्ची नहीं बोलेगा वो बोलता है रेडियो मिर्ची नाइनटी एट पॉइंट थ्री नहीं नाइनटी एट पॉइंट थ्री होता है 98.3 एट पॉइंट थ्री मेगा ऐसे बोलता है वो तो वो जब अपना आइडेंटिफिकेशन देता है ना तो किसके टर्म में देता है फ्रीक्वेंसी के टर्म में कुछ लोग बता रहे भारती का एक सौ एक सौ एक एक ही होता है इतना तो ये होता है मेगा हर्ज में ठीक है रेडियो तो वेव और माइक्रोवेव को उनकी फ्रीक्वेंसी से ज्यादा जाना जाता है अगला है विजिबल एंड इंफ्रारेड विजिबल और इंफ्रारेड को उनके से ज्यादा जाना जाता है जैसे हम लोग भी विजिबल पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था सबसे पहले नैनोमीटर से सात तो, तो हमको लग रहा है तुमको आज तक नहीं पता होगा तो इन दोनों को जाना जाता है इनके वेवलेंथ से और बाकी लोगों को जाना जाता है इनकी एनर्जी से इनके लिए इनका एनर्जी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ठीक है तो ये चीज है हम लोग जानते हैं कि दो क्रेस्ट्स के बीच के दो क्रेस्ट ले लीजिए चाहे दो उसी को क्या बोला जाता है वेवलेंथ बोला जाता है ठीक है ये हो गया फ्रीक्वेंसी क्या होता है एक सेकंड में जितना वेव पैदा हो जाए उसी को बोला जाएगा फ्रीक्वेंसी तो वही लिखा हुआ है ठीक है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है हॉट होता है और एक हॉट जो होता है एक हॉट जो होता है वन अपॉन सेकेंड होता है वन अपन सेकंड को ही हर्ज कहा जाता है एनर्जी तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी होता है जो कि होता है एच इंटू न्यू या फिर एच सी अपॉन लेमडा और वो हम जनरली किस में निकालते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं ऐसी बात है बात करें रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ की रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड क्या वेवलेंथ की तो बाबू फ्रीक्वेंसी चुप रहो लाइट की या किसी भी वेव की जो स्पीड होती है वो होती है लेमडा इंटू फ्रिक्वेंसी पढ़ा है हम लोगों ने रे स्पीड ऑफ अ वेव कितना होता है क्या फ्रीक्वेंसी होता है तो यही रिलेशन है ठीक है चाहे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल छू हो जाएगा स्पीड अपॉन क्या लेमडा हो जाएगा दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ठीक है वो सारी बातें उसमें लिखी हुई होंगी बात करेंगे रेडियो वेव की